Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. Chapter number 7, Permutation, Combination and Probability. और इस लेक्चर से हम एक्सरसाइज 7.7 स्टार्ट करते हैं. एक्सरसाइज है 7.7. ठीक है, तो इसका क्वेश्चन नंबर 1 है, यानी कि ये इससे पहले हम टॉपिक पढ़ चुके हैं एडिशन ऑफ प्रोबेबिलिटीज, उससे रिलेटेड एक्सरसाइज है. ठीक है, यानी कि इसमें हम प्रोबेबिलिटीज का एडिशन फाइंड करेंगे, यानी कि ए यूनिट बी जिस तरह से हमने देखा उसमें उसका हम प्रोबेबिलिटी अगर फाइंड करते हैं तो वो किस तरह से फाइंड की जाती है वो हम देख चुके हैं. तो अब हम उससे रिलेटेड क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे इस एक्सरसाइज में. ठीक है, तो पहला क्वेश्चन है, इफ अ सैंपल स्पेस इज इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 and 9. ठीक है, तो ये सैंपल स्पेस के एलिमेंट्स हैं. सैंपल स्पेस इसके इक्वल है, इस सेट के इक्वल है, और साथ में हमें इवेंट्स भी गिवन है. ठीक है, इवेंट ए, दो इवेंट्स गिवन है. ठीक है, तो एक इवेंट को इवेंट ए कहा गया है, वो इक्वल है 2, 4, 6, 8 के. और सेकंड इवेंट, उसको इवेंट बी कहा गया है, और वो इक्वल है 1, 3, 5 के. ठीक है, और हमने फाइंड क्या करना है, फाइंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, यानी कि ए और बी. ठीक है, तो इसकी हम प्रोबेबिलिटी देख चुके हैं किस तरह से फाइंड करते हैं, तो चलें इसमें हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, इसको फाइंड करते हैं हम. तो सबसे पहले तो ये है कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी किसके इक्वल होता है वो मैं लिख देता हूँ. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी. ठीक है, ये भी हो सकता है अगर डिसजॉइंट, यानी कि दोनों इवेंट्स डिसजॉइंट हों, और अगर ओवरलैपिंग या कोई एक दूसरे का सबसेट हो, तो माइनस कर देते हैं हम प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी को. तो ये डिपेंड करता है, पहले हम चेक करेंगे कि ये डिसजॉइंट सेट्स हैं या फिर ओवरलैपिंग है या कोई एक दूसरे का जो है वो सबसेट है या नहीं. ठीक है, तो ये चीज़ हम पहले चेक करेंगे. तो इसमें देखें, इवेंट ए ये है, ठीक है, 2, 4, 6, 8, और इवेंट बी क्या है, 1, 3, 5. अब इसमें ए इंटरसेक्शन बी फाइंड करके देखें, ए इंटरसेक्शन बी क्या कोई ऐसा एलिमेंट है दोनों में जो कॉमन आ रहा हो, नहीं, मतलब कि ये इवन एम्प्टी सेट है. ठीक है, इंटरसेक्शन बी जो है वो एम्प्टी सेट है. जब ए इंटरसेक्शन बी यानी कि दोनों इवेंट्स का जो इंटरसेक्शन है वो इज इक्वल टू एम्प्टी हो जाए, यानी कि एम्प्टी सेट आ जाए, तो हम प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी फाइंड नहीं करेंगे. ठीक है, यानी कि उसका मतलब क्या होगा कि दोनों इवेंट्स, बोथ इवेंट्स आर इवेंट ए एंड इवेंट ए एंड बी आर, इवेंट्स ए एंड बी आर डिसजॉइंट. और डिसजॉइंट के केस हमने अलग-अलग देखे थे, ओवरलैपिंग के केस में क्या होता है, डिसजॉइंट में क्या होता है. ठीक है, और सबसेट हो तो क्या होता है. तो ये डिसजॉइंट है, तो इसमें प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनिट बी इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी के. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, किस तरह से फाइंड कर सकते हैं हम प्रोबेबिलिटी ऑफ ए. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए फाइंड करने के लिए हमें चाहिए होगा एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस. ठीक है, तो सैंपल स्पेस हमें गिवन है, यहाँ से आप देखें सैंपल स्पेस ये इस सेट के इक्वल है. तो अब इसमें कितने एलिमेंट्स है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 9 एलिमेंट्स हैं. इसके टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स किस तरह से आएंगे, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स या पॉसिबल आउटकम्स जिसे कहा जा सकता है. ठीक है, पॉसिबल आउटकम्स जिसे हम रिप्रेजेंट करते हैं एन ऑफ एस से. ठीक है, तो वो किसके इक्वल है, क्योंकि 9 एलिमेंट्स हैं इसके, तो अगर देखा जाए तो प्रोबेबिलिटीज नंबर ऑफ जो आउटकम्स हैं पॉसिबल आउटकम्स वो बनते हैं 9. ठीक है, एन ऑफ एस यानी कि इज इक्वल टू 9 आ गया. एन ऑफ एस क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सैंपल स्पेस या नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जैसे हम कहते हैं. ठीक है, तो एन ऑफ एस इक्वल टू 9 हो गया. उसके अलावा एन ऑफ ए यानी कि ए इवेंट जो है उसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स आप देख लें,
यानी कि उसके नंबर ऑफ आउटकम्स कितने हैं, ए वन टू थ्री फोर, फोर जो हैं इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं ए सेट ए इवेंट के, ठीक है। तो एन ऑफ ए किसके इक्वल आ जाएगा, इज इक्वल टू फोर। तो यहाँ से हम प्रोबेबिलिटी जो है ए सेट की फाइंड कर सकते हैं आसानी से, ठीक है। तो ये बन जाएगी 4/9। अब हमने इसके साथ ही प्रोबेबिलिटी ऑफ बी भी फाइंड करनी है, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी किस तरह से आएगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस, ठीक है। तो अब एन ऑफ बी, अब यहाँ से देखें बी सेट भी हमें गिवन है, इसमें जो है एन ऑफ बी हम इससे फाइंड कर सकते हैं कि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने, वन टू थ्री, तो इज इक्वल टू एन ऑफ बी इज इक्वल टू थ्री हो जाएगा। और एन ऑफ एस हम पहले से फाइंड कर चुके हैं, तो यहाँ से 3/9 यानी कि 1/3 जो है इसकी प्रॉबिलिटी होगी, और 4/9 जो है वो हमारी ए इवेंट की प्रॉबिलिटी होगी, ठीक है। तो अब हमने फाइंड करनी है, फाइंड हमने तो करनी थी कि ये प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, और वो इक्वल हमें पता है किसके है, प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी, ठीक है। तो इसमें हम इसकी वैल्यूज पुट कर देते हैं, प्रॉबिलिटी ऑफ ए हम फाइंड कर चुके हैं 4/9 प्लस, और प्रॉबिलिटी ऑफ बी भी हम फाइंड कर चुके हैं, वो है 1/3, ठीक है। तो इसको ऐड कर लें तो हमारे पास इक्वल बन जाता है 7/9, यानी कि हमने जो फाइंड करना था प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी वो हम फाइंड कर चुके हैं, जिसकी वैल्यू आई है 7/9। ये था क्वेश्चन नंबर 1। अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन यानी कि क्वेश्चन नंबर 2 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है, ए बॉक्स कंटेन्स 10 रेड 30 वाइट एंड 20 ब्लैक मार्बल्स, ठीक है। एक बॉक्स है जिसमें 10 जो है वो रेड मार्बल्स हैं, 30 जो है वाइट मार्बल्स हैं, ठीक है, और 20 जो है वो ब्लैक मार्बल्स हैं। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, उसके साथ हमें कहा क्या गया है, ए मार्बल इज ड्रॉन एट रैंडम, ठीक है। उसमें से एक यानी कि मार्बल निकाला गया है रैंडमली बगैर देखे, ठीक है। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर रेड और वाइट, ठीक है। तो अगर हमें कहा जाता ना कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज रेड, तो हम सिर्फ जो है वो रेड की प्रोबेबिलिटी यानी कि रेड मार्बल्स की प्रोबेबिलिटी फाइंड करते, वो बहुत आसान थी, ठीक है। अब इसमें आप देखें तो हमें कहा गया है कि फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज आइदर रेड और वाइट, यानी कि दोनों चीज़ों को साथ में रखा गया, ठीक है, या तो रेड हो या फिर वाइट हो। तो और का वक्त मतलब आपको पता है यूनियन होता है, ठीक है। तो इसमें हमने दोनों यानी कि रेड और वाइट दोनों की प्रोबेबिलिटीज को देखना पड़ेगा, यानी कि इन दोनों की यूनियन, रेड यूनियन वाइट की प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी पड़ेगी। तो जैसा कि हमें पता है, अब इसके हम सॉल्यूशन पे आते हैं, तो हमें पता है कि रेड मार्बल्स हैं उसकी तादाद कितनी है, रेड मार्बल्स इज इक्वल टू 10 है, ठीक है। उसके अलावा वाइट मार्बल जो हैं वो कितने, वाइट मार्बल्स उसकी तादाद भी हमें गिवन है, वाइट मार्बल्स हैं 30 और 20 जो हैं वो ब्लैक मार्बल्स हैं, ठीक है, ब्लैक मार्बल्स जो हैं वो हैं 20, ठीक है। तो अब इसमें देखें टोटल मार्बल्स कितने बने, चाहे वो रेड है वाइट है या ब्लैक है, टोटल उनकी तादाद कितनी बनी है। तो टोटल मार्बल्स इज इक्वल टू 10 प्लस 30 प्लस 20, यानी कि टोटल उनकी तादाद बनती है 60,
ठीक है, 60 जो है वो टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं। तो जब टोटल नंबर ऑफ मार्बल्स हैं टोटल वो 60 हैं, तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स भी इतनी होंगी, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स जो हैं वो भी इतनी होंगी। ठीक है, तो यहाँ से हमें जो है सैम्पल स्पेस मिल गई, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स। वो भी इज इक्वल टू 60 होंगी। ठीक है, तो यहाँ से अब हमने क्या करना है, हमने ये देखना है कि उसमें से देखा जाए, क्वेश्चन में देखा जाए तो हमें कहा गया कि सिर्फ एक मार्बल जो है उसमें से निकाला गया। ठीक है, और हमने देखना है कि वो आइदर रेड और वाइट, उन दोनों की प्रोबेबिलिटी चेक करनी है हमने। ठीक है, तो हम ऐसा करते हैं कि हम कह देते हैं कि जो हम रेड मार्बल निकालते हैं तो उसे इवेंट ए कह देते हैं, यानी कि लेट A be the event, A ऐसा event है that the marble drawn is red, यानी कि उसका नाम हम रख दिया। ठीक है, यानी कि अगर हम जो मार्बल निकाला है वो रेड आ गया है तो हम उसे कहते हैं कि उस इवेंट, वो एक इवेंट होगा ना कि हमने निकाला एक मार्बल, ठीक है, वो रेड निकला है, तो अब वो इवेंट ऑकर हो गया, अब उस इवेंट का नाम हमने रख दिया है ए, तो फिर हमारे पास एन ऑफ ए हमने फाइंड करना है। ठीक है, क्योंकि हम प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है ए की भी, तो एन ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, टोटल नंबर ऑफ रेड मार्बल्स कितने, रेड मार्बल्स आपको पता है, आपको गिवन है, वो हैं 10। ठीक है, तो इसके टोटल नंबर ऑफ जो एन ऑफ ए आप कह लें उसे, ठीक है, वो कितने बनते हैं, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द सेट ए या इवेंट ए वो बनते हैं 10। अच्छा, अब हम आते हैं कि रेड मार्बल्स के अलावा हमें क्या कहा गया था, हमें कहा गया था वाइट मार्बल्स के भी साथ आपने देखनी है। ठीक है, प्रॉबिलिटी, तो हम कहते हैं कि लेट बी बी द इवेंट दैट द मार्बल ड्रॉन इज वाइट। ठीक है, इसमें भी हमने जो है नाम रख दिया कि अगर मैंने उस बॉक्स में से मार्बल निकाला है और वो मार्बल जो है वाइट निकला है, एक इवेंट ऑकर हो गया, ठीक है, उस इवेंट का नाम हमने रख दिया है बी। अब इसके भी हम एन ऑफ बी फाइंड कर लेते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन द इवेंट बी, तो वो क्या आएगा, टोटल नंबर ऑफ वाइट मार्बल्स कितने हैं, उसकी तादाद हमें गिवन है वाइट मार्बल्स की, वो है 30। ठीक है, इज इक्वल टू 30 आ जाएगा एन ऑफ बी। अब प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ बी अलग-अलग हम फाइंड कर लेते हैं। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए किसके इक्वल आएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इज इक्वल टू एन ऑफ ए डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस। ठीक है, एन ऑफ ए हमें पता है, यहाँ से हमने फाइंड किया 10 है, तो उसकी जगह मैं 10 प्लेस कर देता हूँ, उसकी वैल्यू 10 ओवर एन ऑफ एस। एन ऑफ एस भी हम पहले फाइंड कर चुके हैं। ठीक है, तो ये है टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, जिसे हमने कहा था ये एन ऑफ एस के इक्वल होता है, एन ऑफ एस इज इक्वल टू है 60, तो यहाँ पर हम 60 उसकी वैल्यू प्लेस कर देते हैं, 10 ओवर 60, यानी कि 1 ओवर 6 इसकी प्रॉबिलिटी आई है ए इवेंट ऑकर होने की, यानी कि रेड मार्बल उसमें से निकल आया। ठीक है, तो ये उस चीज़ की प्रॉबिलिटी है कि हमने जो बॉक्स में से मार्बल निकाला रैंडमली वो रेड मार्बल निकल आया। अब हम बी इवेंट की प्रॉबिलिटी फाइंड करते हैं, प्रॉबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू एन ऑफ बी डिवाइडेड बाय एन ऑफ एस होगा। ठीक है, और एन ऑफ बी आपको पता है हमने फाइंड कर चुके हैं, जो कि इक्वल है 30 के, और एन ऑफ एस जो है वो 60 है, तो 30 ओवर 60 इज 1/2, यानी कि हमारे पास बी इवेंट ऑकर होने की प्रॉबिलिटी है 1/2 है। इसका क्या मतलब है कि कितने चांसेस हैं कि हमने जो मार्बल निकाला है वो वाइट निकला है। ठीक है, बी जो है वो वाइट को शो कर रहा है ना, हमने खुद सपोज किया, तो 1/2 चांसेस हैं। ठीक है, हाफ चांसेस हैं कि वाइट मार्बल निकल आएगा, तो जो रेड मार्बल निकलने की जो प्रोबेबिलिटी है वो कम है, और इसके रिजल्ट्स आप देख सकते हैं। ठीक है, तो और वाइट मार्बल निकलने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा है एज़ कम्पेयर टू रेड मार्बल्स। तो अब यहाँ से
हमने दोनों की प्रॉबिलिटी यानी कि फाइंड करनी है, यानी कि उन दोनों के यूनियन की प्रॉबिलिटी हमने फाइंड करनी है. तो ए यूनियन बी की प्रॉबिलिटी इज़ इक्वल टू प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी. यानी कि अब इन दोनों रिजल्ट्स को हम आप सम कर देंगे, 1/6 प्लस 1/2, तो हमारे पास इन दोनों इवेंट्स के यूनियन की प्रॉबिलिटी आ जाएगी. ठीक है, और वो किसके इक्वल आएगी, 2/3 के इक्वल आ जाएगी. यानी कि 4/6 इसका रिजल्ट आता है, इसको अगर सॉल्व किया जाए तो वो इक्वल होता है 2/3, उसको कैंसिल आउट कर दिया जाए तो 2/3 आ जाता है. ठीक है, तो ये प्रॉबिलिटी है कि या फिर रेड मार्बल निकले या फिर वाइट मार्बल निकले. तो ये था क्वेश्चन नंबर 2. ठीक है, तो इसका हमने रिजल्ट फाइंड कर लिया. अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर. ये भी जो केस था ना वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव था, एक्सक्लूसिव इसीलिए हमने यहाँ पर प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इज इक्वल टू लिखा है प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी. यानी कि हमने जैसे कहा था ना डिसजॉइंट सेट्स, बिल्कुल वो है, क्योंकि रेड मार्बल में कोई वाइट मार्बल नहीं हो सकता या ब्लैक मार्बल नहीं हो सकता, इसलिए ये तीनों चीज़ें जो हैं वो बिल्कुल एक्सक्लूसिव हैं एक दूसरे से. ठीक है, तो इसलिए ये डिसजॉइंट सेट्स हमने इसे कहा और उसके मुताबिक हमने इसको सॉल्व किया. अब हम थर्ड क्वेश्चन पर आते हैं. थर्ड क्वेश्चन की मैं स्टेटमेंट लिखता हूँ. थर्ड क्वेश्चन है ए नेचुरल नंबर इज चूजन आउट ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स. यानी कि हमें जो है फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, एक से लेकर 50 तक हमें नेचुरल नंबर्स गिवन है, उसमें से हमने एक नेचुरल नंबर चूज करना है. ठीक है, ए नेचुरल नंबर इज चूजन आउट ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स. तो ये तो चलो इन्फॉर्मेशन में गिवन है, उसमें हमें पूछा क्या गया है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 or 5. ठीक है, अब यहां पर आप क्वेश्चन को समझें. क्वेश्चन में कहा गया है कि ए नंबर इज चूजन आउट ऑफ फर्स्ट 50 नेचुरल नंबर्स, यानी कि एक से लेकर 50 तक हमें नेचुरल नंबर्स गिवन है. चले मैं लिख भी देता हूं 1, 2, 3, 4 up to 50, ये नेचुरल नंबर्स हमें गिवन. तो इसमें से आपने कोई एक जो है वो चूज करना है नंबर. तो टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स कितने बने, टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स कितने बने, 50 बनेंगे. ठीक है, इसको हम कह देते हैं एन ऑफ एस, ये टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स को शो कर रहा है. ठीक है, एन ऑफ एस ये बन गया. उसके अलावा हमें कहा गया व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द चूजन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 or 4, 5. ठीक है, सिर्फ एक का नहीं पूछा गया कि मल्टीपल ऑफ 3 तो हम सिर्फ उसी का प्रोबेबिलिटी फाइंड करें, नहीं, बल्कि हमें कहा गया है चूजन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3 or मल्टीपल ऑफ 5. ठीक है, या तो 3 के मल्टीपल होगा या फिर मल्टीपल ऑफ 5 होगा, उसकी प्रॉबिलिटी आप फाइंड करें. अब उसी तरह से यानी कि जो एडिशन ऑफ प्रॉबिलिटीज़ है वही चीज़ आ जाएगी, यानी कि मल्टीपल ऑफ 3 यूनियन मल्टीपल ऑफ 5 जो है उसकी प्रॉबिलिटी हमने फाइंड करनी है, इससे ये मतलब है. ठीक है, तो अब हम इसका फाइंड करते हैं. देखें, हम कह देते हैं कि लेट सपोज ए जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है, लेट ए इज इक्वल टू जो है मल्टीपल ऑफ 3 इवेंट की है. ठीक है, इज द इवेंट मल्टीपल ऑफ 3 जो जिसको वो शो कर रहा है मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है, ए जो है वो इवेंट है जो शो कर रहा है मल्टीपल ऑफ 3 को, दैट द चूजन नंबर इज मल्टीपल ऑफ 3. ठीक है, तो क्या बन जाएगा, ए इज इक्वल टू 3 के मल्टीपल्स कौन से होते हैं, 3, 6,
यानी कि 1 और 50 के दरमियान 3 6 9 12 15 18 21 24 27 30 33 36 39 42 45 और 48, और उसके बाद 50 से ऊपर चला जाता है, जो नेक्स्ट जो मल्टीपल ऑफ 3 आता है वो 51 होगा, ठीक है, तो वो चला जाता है 50 से ऊपर। हमने देखना है सिर्फ मल्टीपल ऑफ 3 जो 50 तक, 1 से लेकर 50 के दरमियान जो आते हैं, ठीक है। अब हम कहेंगे जी लेट बी जो है वो मल्टीपल ऑफ 5 को रिप्रेजेंट कर रहा है, ठीक है, यानी कि ऐसा इवेंट के हम उसे कह सकते हैं बी इज़ द इवेंट दैट द चूजन नंबर इज़ मल्टीपल ऑफ 5, यानी कि जो हम नंबर चूज कर रहे हैं और मल्टीपल ऑफ 5 इवेंट ऑकर हो गया उसका नाम हम रख रहे हैं बी इवेंट, ठीक है, मल्टीपल मल्टीपल ऑफ 5, मल्टीपल ऑफ 5 हम लिखते हैं अब, तो हमारे पास बी इवेंट किसके इक्वल आ जाएगा 5 10 15 20 25 30 35 40 45 और 50, ये बनते हैं मल्टीपल ऑफ 5। अब दो सेट्स हमारे पास आ चुके हैं, ठीक है, सबसे पहले चेक करना होता है ये डिसजॉइंट है या ओवरलैपिंग है, ठीक है, तो इससे वो हम किस तरह से चेक करते हैं कि हम इन दोनों का जो है इंटरसेक्शन फाइंड कर लेते हैं, ठीक है, तो इंटरसेक्शन क्या आ रहा है, ए इंटरसेक्शन बी, इस सेट में देखें और इस सेट में देखें, आपके पास कोई इंटरसेक्शन आ रहा है, कॉमन एलिमेंट आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, 5 है, ठीक है, उसके अलावा 15 है, उसके अलावा 5 और 15 है, ठीक है, ये 5 आप बल्कि 5 मैं कह रहा हूँ, 3 का मल्टीपल थोड़ी है ये, 5 इसमें तो मौजूद ही नहीं है, तो ये 15 है, ठीक है, इसमें ये देखें आप ये 15 आ रहा है, उसके अलावा आप देखें यहाँ पर कोई 3 का मल्टीपल मौजूद है नहीं, तो चलें 15 तो आ रहा है ना, यानी कि कॉमन तो मौजूद है ना, तो मतलब कि ये ओवरलैपिंग सेट्स हैं, ठीक है, ओवरलैपिंग इवेंट्स हैं, तो इस केस में हम क्या करेंगे, हम फाइंड करेंगे ए इंटरसेक्शन बी भी, ठीक है, तो वो हम ए इंटरसेक्शन बी फाइंड कर चुके हैं, अब उसकी प्रॉबिलिटी भी हम फाइंड करेंगे, तो और अलग-अलग हम ए की भी प्रॉबिलिटी फाइंड करेंगे, बी की भी प्रॉबिलिटी फाइंड करेंगे, यहाँ से हम देख लेते हैं ए की एन ऑफ ए किसके इक्वल है, एन ऑफ ए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 बनता है एन ऑफ ए, ठीक है, और इसी तरह से एन ऑफ बी आप कैलकुलेट कर लें, एन ऑफ बी वो बन रहा है, यहाँ से काउंट करें तो ये 10 बनते हैं, ठीक है, अब प्रॉबिलिटी ऑफ ए हम फाइंड करते हैं, तो वो उसी तरह से वही मेथड है, यानी कि आप एन ऑफ ए जो है वो 16 है, 16 बाय एन ऑफ एस हम पहले देख चुके हैं, एन ऑफ एस वो इक्वल है किसके, यानी कि ये तो सैंपल स्पेस है ना, चलें ये सैंपल स्पेस है, तो एन ऑफ एस इसको काउंट कर लें तो आपके पास यानी कि 50 जो है वो एन ऑफ एस बनता है, तो ये बन गया 16 डिवाइडेड बाय 50, और इसी तरह से प्रॉबिलिटी ऑफ बी जो है वो आपके पास आ जाएगा 10 डिवाइडेड बाय 50। इसके अलावा आपने फाइंड करनी थी प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, ये भी आपने फाइंड करनी है, तो वो कितना आया, 1 डिवाइडेड बाय 50, अब हमने क्या फाइंड करना है, उसके लिए हमारे पास जो है वो ए इंटरसेक्शन बी होना चाहिए, हमने तो यहाँ से देखा सिर्फ हमारे पास 15 आ रहा था, बल्कि नहीं सिर्फ 15 नहीं है इसमें से कॉमन, आप देखें तो इसमें अगर आप 3 के मल्टीपल या फिर इसमें आप 5 के मल्टीपल्स ढूंढ लें तो आपके पास कॉमन आ जाएगा, तो इसमें देखें ये एक तो 15 तो हम लिख चुके हैं, उसके अलावा ये 30 देखें, ये 30 आ गया इसका मल्टीपल, ये भी मल्टीपल है इसका, उसके अलावा जो है इसमें 45,
45 भी इसका मल्टीपल है तो हमारे पास यानी कि कॉमन सेट जो है ए इंटरसेक्शन बी वो क्या आया है 15 30 एंड 45 इसके नंबर ऑफ एलिमेंट्स कितने हैं तीन हैं तो हमारे पास एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी जो है वो आ चुका है 3 तो यहाँ पर 1 की जगह हमारे पास 3 आएगा 3 डिवाइडेड बाई 50 ठीक है अब यहाँ पर हमने जो है प्रॉबिलिटी फाइंड करनी है जब प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी तो वो किसके इक्वल होगी जबकि ओवरलैपिंग सेट है तो वो इक्वल होगी प्रॉबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रॉबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रॉबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी ठीक है तो ये बनता है 16 डिवाइडेड बाई 50 प्लस 10 डिवाइडेड बाई 50 माइनस 3 डिवाइडेड बाई 50 और अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो आपके पास जो रिजल्ट में आएगा वो आएगा 23 डिवाइडेड बाई 50 ठीक है प्रॉबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी मतलब के इसका क्या मतलब हुआ कि जो हम नेचुरल नंबर में से एक नंबर पिक कर रहे हैं हमने उसकी प्रॉबर्टी निकाली है कि या तो वो मल्टीपल ऑफ 3 होगा या फिर मल्टीपल ऑफ 5 होगा उस कितने चांसेस हैं ठीक है वो चांसेस हैं 23 डिवाइडेड बाय 50 तो यहाँ पर इस लेक्चर को हम ख़त्म करते हैं चार जो हैं क्वेश्चन हमने यहाँ पर सॉल्व किए और नेक्स्ट 4 क्वेश्चन हम कवर करेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में